नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं ये हम यहाँ पे क्या करने आए हैं? सो इन द फर्स्ट राउंड आई किल्ड हिज मिडनाइट वेरी इजीली एंड इन द सेकंड राउंड आई डिस्ट्रॉयड हिज शैंग बट रुको जरा सबर करो। देन केम हिज लेवल 12 हेलगा एंड एवरीथिंग चेंज्ड। तो कैसे हो मेरा शक्तिशाली डीमन आर्मी, आज तुम्हारा युगॉड हारने वाला है। जी हाँ सही सुना आप लोगों ने, आज मैं हारने वाला हूँ फ्रॉम माय ओपोनेंट एवीएच। मैच बहुत ही चक्कर का था इसीलिए सोचा आई शुड अपलोड दिस। ऑल्सो ओपोनेंट का हेलगा का गेम प्ले दिखाना था आप लोगों को, दैट्स ऑल्सो अनदर रीजन। सो टाइम वेस्ट नहीं किया मैंने इस बार एंड जल्दी से बीच में चला गया। इट वॉज वेरी क्लोज हिज मिस्टेक, अनदर मिस्टेक ब्लॉक ब्रेकर एंड काइंड ऑफ आधा हेल्थ खत्म हो चुका था मिडनाइट का। नाइस डॉज ब्रो, अनदर ब्लॉक ब्रेकर फ्रॉम माई बैक टैक एंड इट वॉज क्लोज। बहुत जल्दी रिस्पॉन्स शायद मैंने किया था एंड मिडनाइट हेल्थ इज ऑलमोस्ट 40% लेफ्ट। Nice counter attack, one critical from me, another गलती, बंदे को shadow power use करना ही नहीं चाहिए था अभी। So expect नहीं किया था कि block breaker इस बार आएगा, but spikes and midnight फिर से precise shift में ना distance नहीं गया, इसीलिए like I got my chance and defeated his midnight। Second round, opponent लिया था level 11 का Shen। सच बताऊँ तो आई थॉट आई विल डाई बिकॉज लेवल 11 शैंग है भैया, टक्कर नहीं लेने का। स्टॉप दिस वन और इसका शैडो अटैक्स काइंड ऑफ अनडॉजेबल, यू नो दैट गाइस। मेरा हेल्थ ऑलमोस्ट ख़त्म, ऑलमोस्ट, बट स्पाइक्स ने बचा लिया और यहाँ से मैंने गेम चेंज कर दिया पूरा। शैंग का ब्लॉक ब्रेकर का ज़रूरत नहीं पड़ा। बीवेयर ऑफ द स्पाइक्स मैन। यहाँ से मेरा हेल्थ रीगेन स्टार्टेड, रेंज अटैक, अ ग्रैब एंड अ स्क्रैच इन द फेस फॉलोड बाय अ क्रिटिकल एंड अ सक्सेसफुल शैडो मूव। आई न्यू ही इज गोइंग टू यूज हिज शैडो पावर, कर भी लिया बंदा। थोड़ा मेरा गलती था इसमें बट माई स्पाइक्स अगेन सेव्ड मी एंड रेंज अटैक। सैंग धीरे धीरे ख़त्म होता हुआ। अनदर बिग मिस्टेक आई मेड, स्पाइक्स इस टाइम पर इस्तेमाल करना नहीं चाहिए था। आई शुड हैव फोकस्ड ऑन ग्रैबिंग एंड स्क्रैचिंग ऑन हिज फेस, पर कोई ना, लेट से ही सही, स्क्रैच तो पड़ेगा ना आपके शरीर के ऊपर। चलो लकीली आई सर्वाइव दिस शैडो पावर ऑफ शैंग एंड अ ब्लॉक ब्रेकर स्वीट, और ग्रैब करने के बाद स्क्रैच का जरूरत नहीं पड़ा, ब्लीडिंग इफेक्ट नहीं खत्म करती है। फाइनली लेवल 12 हेलगा एंटर्ड एडीना और इसके बाद से तो पूरा गेम ही चेंज हो गया था गाइस। सो आई विल से बंदा कैसा खेल रहा है, ठीक है, ये तो तुम लोग डिसाइड करना इसका हेलगा के गेम पे देखने के बाद। विथ सम डेंजरस बैक मूव्स एंड अ शाइनिंग डैश मेरा बीस्ट खत्म। चलो बीस्ट को तो रेस्ट इन पीस बोलकर में लेके आ गया अपना लेवल 10 टैंक हाई पेन थ्रेशोल्ड मशीन आयरन क्लैड को। वेरी सैड टू से गाइस बट मेरा आयरन क्लैड भी सरवाइव नहीं कर पाया। बैक मूव्स के ऊपर बैक मूव्स, देन अ सुपरमैन पंच जो सक्सेसफुल हुआ। ही इज नॉट लेटिंग मी कम क्लोजर टू हिम। रैप, चलो अ शाइनिंग डैश सुंदर सा जो लग भी गया और मेरा नहीं लगता, तुम लोगों को तो पता ही है गाइस, बैक शाइनिंग डैश मेरा कभी नहीं लगेगा। एनीवेज बैक मूव्स एंड बैक मूव्स अगेन बैक मूव्स। ओके बॉय मैं क्या करता गाइस तुम लोग बताओ, लाइक आई कांट इवन गो क्लोजर टू हिम, ही इज जस्ट पुशिंग मी बैक। एनीवेज मेरा हेल्थ 20% से भी कम शायद एंड तुम लोगों को पता है लेवल 12 का डैमेज
कोई भी कैरेक्टर वेरी वेरी हाई। एक सुपरमैन पंच किया मैंने जो लगा भी एंड अ स्टैम्पीड। सैडली इट वॉज माई काइंड ऑफ एंड। बैड मूव से ही बंदा पूरा ख़त्म करती है मेरा टैंक को। फाइनली माई लास्ट कैरेक्टर लेवल 10 हेलगा वर्सेस लेवल 12 का हेलगा ओपोनेंट के पास, जिसके पास अभी आधा हेल्थ बाकी है। एंड आई थॉट इस बार तो शायद मैं जीत जाऊँ। शुरुआत तो मैंने अच्छा ही किया, देन ही ग्रैब्ड मी फॉलोड बाय अ हेवी हिट, देन मैंने हिट किया सक्सेसफुली एंड बोथ शाइनिंग डैश। देन शायद ओपोनेंट का नेट इशू हुआ था एंड वी आर बैक अगेन इनसाइड द गेम। स्माइट लग गया मेरे ऊपर, दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। एंड शाइनिंग डैश, इसका मतलब एक एक अटैक ना मेरा 20-30% करके हेल्थ ख़त्म कर रहा था। एटलीस्ट 20% तो हेल्थ ख़त्म होगा ही मेरा। और मैं पहुंच गया मेरा आफ्टर लाइफ में। आई ट्राइड माय बेस्ट बट द गेम इज काइंड ऑफ गोना एंड वेरी बैडली फॉर मी। दोनों के दोनों बहुत ध्यान लगा के खेलते हुए मेरा अटैक लग रहा है तो कभी इसका अटैक लग रहा है। एंड ही स्टॉप माई शाइनिंग डैश राइट एट पॉइंट और मेरा हेल्थ 36, इसका 463। शाइनिंग डैश अवॉइड किया मैंने, हेवी हिट, और स्माइट को भी अवॉइड किया मैंने, बट सैडली आई डिडंट सर्वाइव। इसका फ्रंट अटैक लग गया एंड आई एम डेड। Yo, why is he looking at me like that? What's up, little bud? You got a staring problem, pal? Chalo, I hope you guys enjoyed this video. See you all in my next one. Until then, bye-bye.